व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अश्विन टेक्निकल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिना इंटरनेट चलाए यूपीआई पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी अपने कीपैड मोबाइल या फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, दोनों से ही आप किस प्रकार से बिना इंटरनेट चलाए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसका ऑनलाइन पूरा प्रोसेस क्या होता है और किस प्रकार से मनी ट्रांसफ़र किए जाते हैं बिना इंटरनेट चलाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पे मैंने इसका इंटरनेट बंद कर दिया है और आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और मैं इसका इंटरनेट अभी बंद कर देता हूँ। ये मैंने नेट बंद कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका पूरा प्रोसेस कैसे है आपको मनी ट्रांसफ़र करना है या फिर रिसीव करना है। तो सबसे पहले डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड ओपन करने पर यहाँ पे *99# आपको डायल कर देना है। जैसे ही आप इसको डायल करते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जियो सिम से नहीं होगा ये, इसके लिए वोडाफोन आइडिया जो GPR सपोर्ट करती है उसी सिम से ये होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, बैलेंस चेक, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन और UPI पिन। 7 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो अपन फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर डाला जाता है फ्रेंड्स, और एक नंबर डाल के यहाँ पे सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपका सेंड मनी टू मोबाइल नंबर, UPI ID या सेव्ड बेनिफिशरी या IFC नंबर और अकाउंट नंबर, ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो भी आपको सूटेबल होता है उस पर आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब 00 क्लिक करके यहाँ से बैक ले लेना है। दूसरे ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 00 को सेंड करोगे आप तो ये बैक वापस चला जाएगा। फिर आपको रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट किसी से मनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन फिल करते ही आपको एंटर मोबाइल नंबर और UPI ID, दोनों ही आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और UPI ID एंटर करनी है। तो यहाँ पे आप फिल करके सेंड कर देंगे तो आपकी मनी रिक्वेस्ट चली जाएगी। जिस भी आदमी को आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर और UPI ID फिल करनी रहती। तीसरा ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स, चेक बैलेंस। इस ऑप्शन के द्वारा जैसे ही आप 3 फिल करके सेंड पे क्लिक करेंगे तो एंटर योर 6 डिजिट UPI पिन और जो भी आपका अकाउंट है उसका आपको UPI पिन मांगा जाएगा। यहाँ पर UPI पिन फिल करते ही आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बैक वापस ले लेते हैं फ्रेंड्स। फिर माय प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। माय प्रोफाइल को चेक करने पर आपको चेंज बैंक अकाउंट, चेंज लैंग्वेज, माय डिटेल, UPI ID, मैनेज बेनिफिशरी, IMA मर्चेंट और डी रजिस्टर, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। 0 क्लिक करके फिर से बैक ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप 5 ऑप्शन आ जाता है पेंडिंग रिक्वेस्ट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद फ्रेंड्स 6 आ जाता है ट्रांजेक्शन्स। तो आप जैसे ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन और रिवार्ड्स 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपको चूज करना हो यहां से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स 7वां, UPI पिन। जैसे UPI पिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेट फॉरगेट UPI पिन, 2 ऑप्शन मिल जाता है चेंज UPI पिन, फिर से वही सेम प्रोसेस आप आगे कर सकते हैं। 0 लगा के हम बैक कर देते हैं। Hope you guys like the video. If you like the video, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.